हाँ, जैसे कि मैं धातु के बारे में बता रही थी कि धातु क्या होता है। धातु क्रिया का ही मूल रूप होता है, मतलब सभी क्रियापदों में धातुओं का मतलब धातु के द्वारा ही क्रिया का निर्माण होता है। जैसे कि ये खा शब्द है, खा, ये क्या है? धातु रूप, ये धातु रूप है। अब इसको क्रिया बनाने के लिए से ना, इसमें हम इसमें ना जोड़ते हैं, ठीक है ना? तो खाना, खाता, खाती, ठीक है ना, खाते, इस तरीके से ये क्रिया का रूप मतलब क्रिया बन जाते, जो धातु रूप है वो क्रिया बन जाती है। अब क्या है, क्रिया के मतलब दो भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद। पहले मैं भेद बाद में बताती हूँ, इसकी मैं क्रिया की डेफिनेशन लिख लूँ कि क्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में बताती हूँ, फिर उसके धातु भी रूप भी लिखेंगे और उसके भेदों के बारे में भी बताती हूँ। रुक जाओ ना। जो शब्द किसी कार्य के होने करने अथवा घटना अथवा किसी, या किसी और लिख देंगे, अथवा किसी घटना के घटित होने, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। तो ये हो गई है क्रिया की डेफिनेशन, देख लें आप। अब इसके बाद मैं बताती हूँ, इसके जैसे उदाहरण दे देती हूँ। जैसे जैसे किसान खेत में बीज बो है, दूसरा बच्चे मैदान में खेल है। तो इसमें जो कर्म मतलब किया जा रहा है, जैसे क्रिया कार्य किया जा रहा है, जैसे किसान क्या हो गया? कर्ता, किसान है कर्ता। जो कर्ता है वो क्या कर रहा है? बीज को बोने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रिया, जो बीज है वो बोए जा रहे हैं। और दूसरे में क्या है? बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो बच्चे क्या है यहाँ पर? क्या क्रिया कर रहे हैं? खेलने की क्रिया कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो जो कर्म किया जाता है, कार्य किया जा रहा है, वो कहलाता है क्रिया। यानी किसी भी, जो शब्द किसी कार्य के होने, करने अथवा घटना के घटित होने, किसी व्यक्ति
या वस्तु की स्थिति आदि का, वस्तु स्थिति आदि का बोध इसलिए बोला गया है कि मतलब स्थिति से भी पता लग जाता है कि क्या कार्य हो रहा है उस समय। स्थिति आदि के मतलब वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे किसान खेत में बीज बो रहा है, बच्चे मैदान में खेल खेल रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने जैसे आपको बताया था इसके धातु के बारे में, पहले आप इसको देख लीजिए एक अच्छे से डेफिनेशन, अब मैं इसके बताती हूँ धातु रूप, यानी यही लिख दूं, इसको इरेज कर देती हूँ। धातु रूप, धातु के बारे में बताती हूँ, तो पहले आप इसको देख लो धातु, यानी पहले बोल दूं क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। सभी क्रिया पदों का निर्माण धातु के द्वारा होता है। इसको इरेज कर देती हूँ मैं। जैसे कि यहाँ लिखा है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और क्रिया के पदों से ही धातु का निर्माण होता है। अब वो जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था, इसको मैं इरेज कर दूं, आप देख लो, उसके बाद मैं ये इरेज कर देती हूँ। कपड़ा गाय वाला कपड़ा कहाँ गया? धातु रूप लिखते हैं। अब धातु में क्या है, अब इसमें धातु लिखती हूँ, इनके धातु में प्रत्यय जोड़ेंगे तब वो बन जाएगा क्रिया। जैसे ये रहे, यहाँ लिखेंगे हम धातु, ये रहा प्रत्यय और यहाँ बनेगी क्रिया। तो जैसे हमने बोला था पढ़, ठीक है, पढ़ में हमने करा ना प्रत्यय लगाया, बनेगा क्या, पढ़ना, ठीक। दूसरा लेते हैं जा, जा में हम ना जोड़ देंगे, ना प्रत्यय, बन जाएगा जाना, ठीक। तीसरा लेते हैं सो, इसमें प्रत्यय ना हो गया सोना। तीसरा लेते उठ, चौथा है हमारा उठ ना, तो ये क्या हो गया, उठ ना। यानी धातु में हमने ना प्रत्यय लगाया
तो ये हो गया आपका पढ़ना जाना सोना। इसी तरीके से ता लगा दे तो पढ़ता जाता सोता उठता, ठीक है। ये प्रत्यय लगाने से क्रिया का रूप ले लेता धातु। अब इस प्रकार प्रत्यय क्रिया किसी ना किसी धातु से बनती रहती है, मतलब जो भी क्रिया होगी किसी ना किसी उसमें धातु का प्रयोग जरूर होता है क्रिया में, मतलब बिना धातु के क्रिया नहीं बन सकती है। अब रहते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है कर्म के आधार पर, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। देखिए क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है कर्म के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। अब इन दोनों भेदों के बारे में बताऊंगी। पहले हम बता देते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्या होता है, क्रिया के भी दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर भी इसके भी दो भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया, दूसरा हुआ अक्रमक क्रिया। यहां मैंने बताया, अब पहले डेफिनेशन जैसे कि मैंने बता दी थी, उसके बाद क्रिया के भेद बताए। क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर एक हो गया कर्म के आधार पर और दूसरा हो गया अर्थ के आधार पर, ठीक है ना। ये वाले इसके भेद हम बताएंगे पार्ट टू में। आज हम इसकी बात करेंगे पार्ट वन में कर्म के आधार पे। कर्म के आधार पे इसके कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अक्रमक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्ता जो क्रिया को करता है उसमें कर्म के साथ करता है, जो कर्म के साथ क्रिया प्रयोग की जाती है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया, यानी कर्म के सहित। और अक्रमक में क्या होता है, उसमें क्रिया जो की जाती उसमें क्रिया कर्म रहित होती, उसका फल जो मतलब जो क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, कर्म का प्रयोग नहीं होता। अक्रमक क्रिया में कर्म का प्रयोग नहीं होता है और सकर्मक क्रिया में कर्म का प्रयोग होता है। अब पूछोगे कि कर्म क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि इसमें सकर्मक वो सॉरी इसमें कर्म है कि नहीं है, तो ये चीज भी क्लियर कर देती हूँ। अब मैं इसको पहले यहाँ आप एक बार देखो, फिर मैं इसको यहाँ इरेज करती हूँ। देख लीजिए पहले, जैसे कि लिखा है क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर अर्थ के आधार पर, ठीक है। फिर मैं इसको इरेज करके आपको दोबारा से बताती हूँ। ओके, मैं अब इरेज कर दूँ इसको। आई इरेज इट। तो अब हम बताते हैं अपने सकर्मक क्रिया के बारे में। सकर्मक क्रिया जैसे कि इसमें पता चल रहा है सकर्मक, यानी जो कर्म के साथ हो, जिसमें कर्म साथ में हो। जैसे लिखेंगे स प्लस सकर्मक क्रिया, यानी अर्थात अर्थात कर्म के साथ
देखिए जैसे कि बताया सा प्लस क्रमक धन बोलेंगे, साधन क्रमक अर्थात कहने का मतलब है कर्म के साथ, ठीक है ना, साधन क्रमक यानी कर्म के साथ, जो क्रिया कर्म के साथ प्रयोग होती है उसे सक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे कि देखो कर्म के साथ, जैसे मैं यहां लिख रही हूं विपुल शरबत पीता है, ठीक है। अब हम पता कैसे चलेगा कि इसमें कर्म है कि नहीं है, तो देखिए इतना सभी जानते हैं कि विपुल के यहाँ क्या होगा, जो कार्य को करता है वो करने वाला कौन कहलाया जाता है, कार्य करने वाला कर्ता, ये हो गया कर्ता, ठीक है। और पीना यहाँ क्या हो गया क्रिया, ये हो गई क्रिया, ठीक। अब जो विपुल है, एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं सक्रमक और अक्रमक की पहचान के लिए कि पता कैसे किया जाए कि यहाँ पर सक्रमक है अक्रमक, वो क्वेश्चन वर्ड होते हैं जैसे क्या हुए, ठीक है ना, कैसे, कौन, किसे, किसको, क्या, ऐसे शब्दों को मतलब प्रश्न करके ही पता किया जा सकता है। जैसे विपुल क्या पीता है, अगर आंसर निकल आता है विपुल क्या पीता है, अगर उत्तर आपका आ रहा है देने में उत्तर बन रहा है तो वहां सक्रमक क्रिया होगा, और उत्तर नहीं बन रहा है तो बनेगा अक्रमक क्रिया। तो यहाँ पर जैसे पूछा जा रहा है विपुल विपुल क्या पीता है, हम यह प्रश्न करते हैं विपुल क्या लगाते हैं, ठीक है, प्रश्न किया विपुल क्या पीता है, तो उत्तर बन रहा है शरबत, विपुल क्या पी रहा है शरबत पी रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका कर्म, तो हमें पता लग गया कि यहाँ पर कर्म है, तो यानी कर्ता के साथ कर्म और क्रिया तीनों ही प्रयोग हो रहे हैं, तीनों ही चीजें एक साथ प्रयोग हो रही हैं, तो यहाँ पर कौन सा हुआ सक्रमक क्रिया। अगर यहाँ ये शरबत आंसर नहीं निकलता तो ये अक्रमक क्रिया हो जाता जिसका फल सीधे कर्ता पर पड़ता, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल जैसे आर्यन फूल तोड़ता है, आर्यन फूल तोड़ता है, अब क्वेश्चन करते हैं आर्यन किसे तोड़ता है या आर्यन किसे तोड़ रहा है, तो आंसर क्या निकलेगा फूल, ठीक है ना, तो आंसर बन रहा है फूल। तो मतलब जहां उत्तर निकल के आ रहा है हम जवाब दे सकते हैं क्वेश्चन करने पे, तो वहां आ जाएगा सक्रमक क्रिया। इसमें भी बताया जैसे आर्यन, इसको इरेज कर रही हूं, जैसे आर्यन यहां लिखेंगे आर्यन फूल तोड़ रहा है, ठीक है ना, तो आर्यन हो गया कर्ता, ठीक है ना, और तोड़ना क्या हो गया यहाँ पे क्रिया हो गई, ठीक। अब क्वेश्चन कर लेते हैं कि आर्यन क्या तोड़ रहा है या आर्यन किसे तोड़ रहा है, आर्यन किसको तोड़ रहा है, तो आंसर हमारा निकल के आ रहा है क्या फूल, तो ये क्या हो गया यहाँ पे कर्म, क्या हो गया यहाँ पे कर्म। अभी इस सक्रमक क्रिया के भी दो भेद हैं, पहले मैंने बताया क्रिया कर्म के आधार पे क्रिया के दो भेद होते हैं सक्रमक आक्रमक, अब सक्रमक क्रिया के भी दो भेद अभी बताऊंगी। तो ये हमारा सक्रमक क्रिया का, पहले तो सक्रमक क्रिया ही हमारी क्लियर हो गई, फिर इसके दोनों भेदों के बारे में बताएंगे। तो सक्रमक क्रिया हमारा यहाँ पे क्लियर हो रहा है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, सक्रमक क्रिया किसे कहते हैं, साधन क्रमक यानी अर्थात कहने का मतलब है कि जिस वाक्य में कर्ता के साथ कर्म का प्रयोग होता है वहां पर सक्रमक क्रिया होती है। जैसे कि जो क्रिया कर्म का प्रयोग होता, मतलब जहां पर क्रिया का कर्म के साथ प्रयोग होता है उसे सक्रमक क्रिया कहते हैं। पहचान के लिए मैंने बताया जैसे हम कुछ प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक शब्दों को लगाते हैं, जैसे कि क्या है, किसे है, किसको आदि शब्दों को लगाते हैं, और जब हमें इसका उत्तर मिल जाता है तो वो आपका सक्रमक क्रिया होता है। अब इसके में दो भेद होते हैं, सक्रमक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, तो यहाँ आप इसे अच्छे से देख लो फिर मैं इरेज करती हूँ, तो मैं अब इसे इरेज करती हूँ। Thank you.
अब यहाँ पे हम बताएंगे आपको सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक होता है एककर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विक्रमक क्रिया। द्विक्रमक क्रिया देखिए, तो ये है क्रिया के दो भेद, एककर्मक क्रिया और द्विक्रमक क्रिया। अब पहले हम बात करते हैं एककर्मक क्रिया। एककर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जहां पर कर्ता एक कर जहां पर सॉरी जहां पर जिस वाक्य में एक कर्म का प्रयोग किया था, एक बार में एक ही कर्म का प्रयोग होता है। जैसे कि हमने अपने पहले वाले एग्जाम्पल में किया था कि विपुल शरबत पीता है, तो विपुल कौन सा कार्य कर रहा था, शरबत पीने का कार्य। तो मतलब वो एक ही उसमें एक ही कर्म का प्रयोग हुआ था, कर्ता एक ही कर्म करता है, तो जैसे वो हो गया आपका जैसे कि सकर्मक क्रिया। या माँ खाना पका रही है, माँ खाना पका रही है, तो माँ तो हो गई कर्ता, पकाना हो गया क्रिया, और किसे पका रही है, खाने को। तो यहाँ पर जो माँ कर रही है वो एक ही काम कर रही है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो एक ही काम हो रहा है, तो यहाँ पर एक ही क्रिया है, तो ये एक क्रमक क्रिया कहलाएगी। पर द्विक्रमक में जैसे कि नाम से आ रहा द्वि यानी कि दो, जहां पर कर्ता के द्वारा दो कर्म किए जाते हैं, जिन वाक्यों में एक साथ दो दो कर्म का प्रयोग होता है उसे कहते हैं द्विक्रमक क्रिया। तो पहले हम इस एक क्रमक क्रिया के बारे में, जैसे कि मैंने बताया कि एक जो कर्ता होता है वो एक कर्म को करता है, जहां पर कर्ता द्वारा एक कर्म का प्रयोग किया था, जिन क्रियाओं के साथ से या बोला जाए जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जिन क्रियाओं में एक कर्म का प्रयोग होता है। ठीक है ना, जैसे कि हाँ जैसे कि मैं लिखा यहाँ पे कि जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म का प्रयोग होता है वहां तो एक कर्म क्रिया। तो जैसे उदाहरण के तौर पे लिख रही हूँ कि माँ कपड़े धो रही है। अब यहाँ पर ये धोना क्या हो गया है हमारा, ये धोना जो है वो है क्रिया, माँ क्या कर रही है कपड़े, तो माँ यहाँ पर हो गई कर्ता, माँ हो जाएगी कर्ता, और धोना यहाँ पर हो गया क्रिया। तो मैंने यहाँ पर देखिए, और कपड़े जो हो गए वो हो गए कर्म, तो यहाँ पर माँ जो है क्रिया कर रही है धोने की, और किसको धो रही है कपड़े को। तो इस वाक्य में मैंने क्या दिया है, इस वाक्य में जो माँ है कपड़े को धोने का कार्य कर रही है, तो माँ करता है, कपड़े कर्म हो गए और धोना हो गया क्रिया। अब आप इसको अच्छे से एक बार देख लो, क्योंकि इसमें एक ही कर्म का प्रयोग हुआ जो कि क्या है कपड़े, माँ करता है और धोना है क्रिया। जैसे कि मैं बता रही हूँ जहां पर एक ही कर्म का प्रयोग होता है वो होता है एक क्रमक क्रिया। तो अब मैं इसको इरेज कर दूं, इसके बाद हम आप बताते हैं आपको द्विक्रमक क्रिया के लिए। जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक क्रिया एक क्रमक क्रिया कैसे कहते हैं, अब है बताते हैं द्विक्रमक क्रिया के बारे में। द्विक्रमक क्रिया यानी कि इसका एग्जांपल जैसे कि उसमें क्या होता है एक साथ दो कर्म होते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल लिख रही हूं मैं, सेठ ने भिखारी को
कंबल दिया। यहां मैंने लिखा सेठ ने भिखारी को कंबल दिया, तो सेठ यहाँ पे क्या होगा, कर्ता, ठीक है ना, और भिखारी को कंबल दिया, तो जो दिया है वो हो गया है यहाँ पर क्रिया, देना होता है क्रिया। अब कर्ता और क्रिया तो हमारे यहाँ पर हो गए, अब रहे दो हमारे कर्म, तो पहला कर्म हो गया भिखारी और दूसरा कर्म हो गया कंबल। तो इस वाक्य में कर्ता के साथ दो कर्म आए हैं, कर्ता, कर्म, कर्म और क्रिया, ठीक है। तो इन वाक्यों, जहां पर दो वाक्यों, सॉरी, जिन वाक्यों में दो कर्म का प्रयोग होता है वो होता है द्विक्रमक क्रिया। जैसे कि मैंने दिखा दिया कि कर्ता कहाँ है और दो कर्म कहाँ है। अब मैं दूसरा वाक्य लिखकर दिखाती हूँ, दूसरा वाक्य देखो, दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं हम। जैसे माँ बच्चों को कहानी सुनाती है, तो अब यहाँ पर क्या है, जो माँ है वो हो गई, माँ यहाँ पर है कर्ता, क्योंकि वो सुनाने का कार्य कर रही है। क्रिया हो गई सुनाना, जो कि काम किया जा रहा है यहाँ पर, और बच्चे यहाँ पर हो जाएंगे कर्म, दूसरा कर्म हो जाएगा यहाँ पर कहानी, दूसरा कर्म हो गया यहाँ पर कहानी। तो इस वाक्य में भी आपके दो कर्म हो गए, कर्ता, कर्म, कर्म, क्रिया, ठीक है ना। तो इन्हीं चीजों को हमें याद रखना है कि जिन वाक्यों में दो कर्म का प्रयोग हो वहां तो है द्विक्रमक। अब इसको इरेज करके मैं यहाँ पर आपको तीसरा एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जिससे ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तीसरा है, दादाजी पक्षियों को दाना डालते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, दादाजी, दादाजी कर रहे हैं काम, तो दादाजी क्या हो गए यहाँ पर, दादाजी क्या हो जाएंगे बताइए आप लोग। चलिए मैं बताती हूँ, तो दादाजी जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, तो दादाजी हमारे यहाँ पर होंगे कर्ता, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्रिया की कौन सी की जा रही है, डालने की, तो क्रिया क्या है यहाँ पर, डालना, जो कि डाला जा रहा है, क्या डाला जा रहा है, दाना। अब हम बताएंगे, ये तो हो गया आपका कर्ता हो गया, क्रिया हो गया, अब यहाँ पर हमें बताना है कर्म। तो पक्षी हो गया हमारे कर्म एक, और दूसरा कर्म हो गया दाना। तो यहाँ पर दो कर्म, इस वाक्य में भी दो कर्म का प्रयोग हुआ है। तो जैसे कि बता दिया, जिस जहां पर एक वाक्य में दो कर्म का प्रयोग होता है वहां पर होता है द्विक्रमक क्रिया, दो क्रमक क्रिया। और अच्छा, हमने जैसे कि मैंने बताया कि सक्रमक और अक्रमक की जैसी पहचान होती है, उसी के हिसाब से आप इसको देख लिया आपने। अब अगला मैं बताती हूँ आपको, एक क्रम अक्रमक क्रिया। अक्रमक क्रिया क्या होता है, अक्रमक क्रिया मतलब जहां पर वाक्य में कर्म का प्रयोग ना होकर सीधे क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वहां होता है अक्रमक क्रिया। जैसे कि आ आ धन क्रमक, ये आ गलती से यहां लिख गया है, हो गया आ धन क्रमक। अक्रमक धन हो गया अक्रमक, अर्थार्थ अर्थार्थ अर्थार्थ, जहां पर, जैसे कि मतलब जहां पर मतलब कर्म का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। देखिए
जो वाक्य, जो कर्म के बिना, या बोला जाए रहित, बिना और रहित मतलब एक ही होता है उसका, जो कर्म के बिना होता है, मतलब जो वाक्य कर्म के बिना हो, या फिर आता मतलब अक्रमक, यानी जो कर्म बिना हो, कर्म रहित हो, उसे बोलते हैं अक्रमक। ठीक ना, अक्रमक यानी जो कर्म रहित हो। जैसे कि जिन वाक्यों में, या बोला, हाँ, जिन वाक्यों में क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है, वहां नहीं होता, वह अक्रमक क्रिया कहलाती है, कहलाते है। अब देखिए, जैसे इसमें बता दूं, जैसे कि कर्म रहित, इसमें क्या होता है, जो क्रिया का सीधा प्रभाव होता है कर्ता पर ही पड़ता है, क्योंकि इसमें कर्म तो आ ही नहीं रहा है, तो प्रभाव किस पर पड़ेगा, सीधे कर्ता पर पड़ेगा। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल दे देते हैं, कंचन रूठ गई। अब इसमें क्या है, कंचन क्या हो गई, रूठ गई है, तो इसमें कोई कर्म नहीं है, सीधे आक्रामक क्रिया। अब जैसे इसका उदाहरण दें, रीना हंस रही है, ठीक है ना, रीना हंस रही है। अब जैसे कि हमने सकर्मक की पहचान के कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह बताए थे, वही उन प्रश्नों को, वो सॉरी, उन्हीं शब्दों का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। अगर आंसर निकल आता है तो सकर्मक क्रिया, अगर आंसर नहीं निकलता तो ये कौन सा हो जाएगा, अक्रमक क्रिया। तो हम क्वेश्चन करते हैं कि रीना मतलब रीना हंसती, मतलब जैसे कि हम हंस रही है, तो रीना हंस रही है, रीना क्या कर रही है, तो क्या निकलेगा यहाँ पर, रीना हंसती है। तो अब जैसे कि अब हम इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, रीना हंसती है, तो रीना क्या, क्वेश्चन ही नहीं बनने मारा, क्या हंसती है, रीना क्या है, क्वेश्चन ही बनने में नहीं आया, तो उसका जवाब कैसे निकलेगा। अगर नहीं होता है, कर्ता पर ही क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि रीना है हंसती है, तो रीना क्या हो गई यहाँ पर, कर्ता हो गई है, तो रीना कौन है यहाँ, कर्ता है, और हंसना क्या हो गया यहाँ पर, क्रिया, ठीक है ना। कंचन कौन है, कर्ता है, और रूठ गई क्या, रूठ गई क्या यहाँ पर, क्रिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर्म तो है ही नहीं, सिर्फ क्रिया और करता। तो यहाँ पर क्रिया का सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। जैसे कि उसमें मैंने दिया था कि विपुल शरबत पीता है, तो हमें यहाँ पे कर्ता और क्रिया को बना मिलाकर एक प्रश्न बन जाता है कि विपुल क्या करता है, या विपुल, सॉरी, विपुल किसे पीता है, विपुल क्या पीता है, विपुल किसको पीता है, तो प्रश्न बन रहा है और आंसर भी निकल के आ रहा था शरबत, पर यहाँ पर कोई प्रश्न भी नहीं बन पा रहा है ठीक प्रकार से, और उसका फिर जब प्रश्न ही नहीं बनेगा तो आंसर कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा आक्रामक क्रिया, ठीक है। तो आज बच्चों मैंने आप लोगों को सक्रमक आक्रामक के बारे में आज के वीडियो में बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा इसका पार्ट टू होगा, उसमें हम अर्थ के आधार पर कर्म के जितने भेद होते हैं, क्रिया के, सॉरी, अर्थ के आधार पर क्रिया के जितने भेद होते हैं वो बताएंगे। इनको आप अच्छे से वीडियो में एक बार अच्छे से दोबारा आप देख लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कहां जहां भी बार बार कह रही हूँ, कोई भी किसी भी तरीके का अगर डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए प्लीज कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें।